इस बार आप अपने घर जाइएगा और कुछ भी मत लेकर जाइएगा, ना कपड़े लेकर जाइएगा, ना मिठाई लेकर जाइएगा, ना फल फ्रूट लेकर जाइएगा, और अपने भाई को उसी तरह से राखी बांधकर आइएगा और उसे डिमांड कीजिएगा कि अगर सही मायने में आप मेरी रक्षा चाहते हैं तो भाई पिता की संपत्ति में मुझे बराबर का अधिकार दे दो। आजादी कहाँ है? आपकी आजादी धर्म ग्रंथों में नहीं है, बल्कि आपकी आजादी शिक्षा में है, संविधान में है। भीमराव अंबेडकर जी की, उनके हाथ पर भारत की किसी भी महिला ने आज तक कोई राखी नहीं बांधी, लेकिन उन्होंने उस राखी के बिना भी उनको हिंदू कोड बिल देकर इस देश में समस्त महिलाओं को समानता देने का काम किया, उनको नौकरी में समान प्रावधान, समान वेतन देने का काम किया, उनको पिता की संपत्ति में बेटे के बराबर हक देने का काम। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पुरुष हैं जो महिला जज के पास में जाते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि मुझे मेरी जान से खतरा है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिलाया जाए। तो इस बात से भी आप सही तरीके से समझ सकते हैं कि आखिर सही मायने में आज महिलाओं की रक्षा पुरुष नहीं बल्कि पुरुषों की रक्षा महिलाएं कर रही हैं। लेकिन जरूरत है आपको शिक्षित होने की, क्योंकि जिस दिन आप शिक्षित हो जाएंगी, शिक्षित होकर आप अच्छे पदों पर पहुंच जाएंगी, तो मैं गारंटी से कह सकती हूं कि उस दिन आप अपनी रक्षा के साथ साथ में पुरुषों की भी रक्षा करेंगी। कि आखिर 75 साल के बाद भी जब आज हमारे पास में संविधान है, क्या आज महिला इतनी कमजोर है कि उन्हें पुरुषों के अधीन रहना पड़े या पुरुषों से गुहार लगानी पड़े कि मैं आपके हाथ पर धागा बांधूं आपने की रक्षा। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24X7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आप मेरे गाने से समझ ही गए होंगे कि आखिर आज मैं किस विषय पर बात करूंगी, और बात करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास में फ़ोन आए हैं कि मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि समाज में बहुत बड़े स्तर पर जिस तरह से पाखंडवाद रूढ़िवाद फैला हुआ है और परंपराओं के नाम पर जिस तरह से गरीब तबका भी आज अपने धन संपदा को लुटाने का काम कर रहा है उसको बचाया जा सके, और इसी उद्देश्य को लेकर आपके बीच में आई हूं कि मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊं, ताकि जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को सुनकर जागृत हो सके और नई जागृति उनके अंदर आ सके, तो कहीं ना कहीं मैं लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती हूँ। तो साथियों, आपसे पहले उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट इस वीडियो पर करें, ताकि ये वीडियो सजेशन में आकर और भी लोगों के पास में पहुंचे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ये वीडियो मैं अपने उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग चाहते हैं कि समाज में जागृति हो, मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ जो आज भी पाखंडवाद रूढ़िवाद में उलझे हुए हैं या इस धर्म संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो इस तरह के त्योहारों को बढ़ावा देकर इनको मनाने पर उतारू रहते हैं। जी हाँ, आप शब्दों से ही समझ गए होंगे कि रक्षा जमा में बंधन, बंधन और रक्षा दोनों ही शब्द अपने आप में एक दूसरे से किस तरह से तालमेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ये भी आप सोच सकते हैं। एक तरफ तो हम रक्षा की बात करें और दूसरी तरफ उसमें बंधन भी है, और कैसा बंधन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रक्षाबंधन को भाई बहन के त्यौहार से जोड़कर रख दिया है, और लोग कहते हैं कि अगर बहन इस दिन अपने भाई को राखी बांधती है तो भाई उसको रक्षा का वचन देता है और ता उम्र जब तक वो जीवित रहता है उसकी रक्षा करता है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल मेरा ये भी है सभी दर्शकों से, आप सोचिएगा, चिंतन मनन कीजिएगा, क्या सिर्फ मात्र एक धागा बांधने से एक भाई अपनी बहन की रक्षा कर सकता है? बहन की अगर मैं बात करूं तो बहन शादी से पहले अपने मायके में कितने साल रहती है? 20 साल, 22 साल, 25 साल, हद मार के 30 या 35 साल। उसके बाद तो उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के घर जाना होता है, जिसको कि उसका ससुराल कहा जाता है। अब एक चीज सोचिए आप कि मात्र 15, 20 या 25 साल अपने मायके में बिताती है, अपने भाई के साथ बिताती है, तब वो रक्षा करता है तो समझ में आता है, लेकिन शादी के बाद तो वो ससुराल में चली जाती है और ससुराल में सबसे पहला दायित्व उसके पति का आता है। जब भी उसकी जीवन संगनी को कोई बीमारी होती है, कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले उसका भाई ना आकर बल्कि उसका पति उसके साथ में खड़ा होता है। अब आप खुद सोचिए कि शादी के बाद उसकी रक्षा कौन कर रहा है, और रक्षा की ही बात है और बंधन की ही बात है, तो इस शादी के बंधन में बंध कर जो रक्षा का जो सूत्र है, जिसे कि धागा कहा जाता है, राखी कहा जाता है, उस पत्नी को अपने पति को बांधने का काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात रक्षा की हो रही है, जो रक्षा करता है। मैंने स्वीकारा है कि शादी से पहले भले भाई रक्षा कर सकता है, लेकिन शादी के बाद पति रक्षा करता है। लेकिन साथियों, मैं इस चीज़ को भी बिल्कुल दरकिनार करती हूँ कि आखिर 75 साल के बाद भी जब आज हमारे पास में संविधान है, क्या आज महिला इतनी कमजोर है कि उन्हें
पुरुषों के अधीन रहना पड़े या पुरुषों से गुहार लगानी पड़े कि मैं आपके हाथ पर धागा बांधती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आज हमारे पास में शिक्षा एक मजबूत ऐसा स्तंभ है और शिक्षा लेकर उच्च से उच्च पदों पर आसीन हो सकती है, लेकिन जरूरत है आपको शिक्षित होने की, क्योंकि जिस दिन आप शिक्षित हो जाएंगी, शिक्षित होकर आप अच्छे पदों पर पहुंच जाएंगी, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि उस दिन आप अपनी रक्षा के साथ साथ में पुरुषों की भी रक्षा करेंगी। उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर मैं वर्तमान में अभी बात करूं, जिस तरह से राष्ट्रपति मुर्मू जी को नियुक्त किया गया है देश का प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक की बात करूं तो पहला प्रथम नागरिक कौन है भारत में? एक महिला है, बहुत बड़ा सवाल है। और उस महिला के ऊपर दायित्व बनता है कि वो पूरे भारत देश की रक्षा करे, और रक्षा किसकी करे, उसमें बच्चे भी है, महिलाएं भी है, पुरुष है, वो हर किसी की रक्षा की जिम्मेदारी ले रही है। और दूसरा सवाल मैं यहां पर करूंगी, जिस तरह से समाज में बहुत बड़े बड़े पदों पर, चाहे मैं एसीपी की बात करूं, डीसीपी की बात करूं, जज की बात करूं, वकील की बात करूं, वो सारे किन की रक्षा करते? क्योंकि महिला या जज, इनके पास में केवल महिलाओं के ही केस नहीं आते, बल्कि पुरुषों के भी केस आते, और पुरुषों के केसों को मजबूत करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको न्याय देने के लिए कहीं ना कहीं महिला पहली पंक्ति में खड़ी नजर आती है। तो इससे आप सोचिए कि रक्षा आखिर पुरुष कर रहा है या महिला कर रही है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पुरुष हैं, जो महिला जज के पास में जाते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि मुझे मेरी जान से खतरा है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिलाया जाए। तो इस बात से भी आप सही तरीके से समझ सकते हैं कि आखिर सही मायने में आज महिलाओं की रक्षा पुरुष नहीं, बल्कि पुरुषों की रक्षा महिलाएं कर रही हैं। और यहाँ पर मैं उस जज पर और उन पुलिस अधिकारियों पर भी सवाल उठाना चाहूंगी जो महिलाएं हैं, जिनके पास में पुरुष प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं और उनको प्रोटेक्शन भी दिलवाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ परंपराओं और धर्म और संस्कृतियों में बंद कर यही जज, इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी महिलाएं इस परंपरा को फॉलो करने के लिए अपने भाई की कलाई पर अपनी रक्षा के लिए राखी बांधने जाती हैं। तो देखिए किस तरह का हम दोहरा मापदंड अपनाते हैं और किस तरह की जो विचारधारा है, किस तरह से हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक तरफ तो हम कहीं ना कहीं एक समाज में बहुत बड़ा एक संदेश दे रहे हैं कि हम महिला होकर पुरुषों की रक्षा कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम इतने सक्षम और इतने सशक्तिकरण के बाद भी हम उन पुरुषों के सामने झुकने का काम करते हैं। और साथ ही ये भी यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि आखिर हमें झुकाने का काम कौन कर रहा है, क्या कोई महिला काम कर रही है? अगर मैं बात करूँ इसमें, बिल्कुल मैं स्पष्ट कहना चाहूंगी कि धर्म के अनुसार जो अपने आप को आज पुरुष प्रधानता की श्रेणी में सर्वप्रथम पंक्ति में रखते हैं, कहीं ना कहीं वो पुरुष या वो धर्म, वो संस्कृति इन महिलाओं को लगातार गुलाम बनाने का एन-केन प्रकारण करती आ रही है और कर भी रही। और साथ ही अगर मैं रक्षा की बात करूं तो मैं बात यहां पर करूंगी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। उनके हाथ पर भारत की किसी भी महिला ने आज तक कोई राखी नहीं बांधी, लेकिन उन्होंने उस राखी के बिना भी उनको हिंदू कोड बिल देकर इस देश में समस्त महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा की, उनको समानता देने का काम किया, उनको नौकरी में समान प्रावधान, समान वेतन देने का काम किया, उनको पिता की संपत्ति में बेटे के बराबर हक देने का काम किया, उनको हर तरह की वो स्वतंत्रता, वो आजादी देने का काम किया जिसको कि आज धर्म ग्रंथ, जो कि अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं, वो लोग भी नहीं देते, बल्कि वो आपसे उल्टा छीनने का काम करते। और जिस तरह से धर्म ग्रंथ महिला को पैर की जूती के बराबर समझते हैं, वही परम पूज्य बाबा साहब का संविधान साथियों महिला को सर का ताज बनाकर प्रस्तुत करता है, जिसका कि जीता जागता उदाहरण आपने अभी देखा द्रौपदी मुर्मू जी को। तो साथियों कहने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का संघर्ष हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसका योगदान होता है, जिसके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, हम उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता बिल्कुल भी व्यक्त नहीं करते, बल्कि उसको लगातार जाति धर्म के नाम पर नीचा दिखाने का काम करते। और यहां पर एक बात और मैं उन महिलाओं से कहना चाहूंगी जो इस तरह के पाखंडवाद को, रूढ़ीवाद को, इन परंपराओं को फॉलो करने का काम करते हैं, बढ़ावा देने का काम करते हैं, और उन पुरुषों से भी कहना चाहूंगी, एक बार इस बार रक्षा बंधन पर सभी बहनें अपने भाई के घर जाइएगा, चाहे आप कितना ही सामान लेके जाए, मैं आपसे किसी भी तरह का द्वेष नहीं रखती हूं और ना ही मैं आपको मना करूंगी, लेकिन इस बार आप कहिए अपने भाई से कि पिता की संपत्ति में मुझे बराबर का अधिकार दे, तो मैं मानूंगी हाँ सही मायने में आपके भाई आपकी रक्षा करते। लेकिन साथियों समाज में हम आए दिन उठते हैं, बैठते हैं, कैडर देते हैं, समाज में विभिन्न विभिन्न तरह के लोगों से मिलते हैं, लेकिन जो समाज की दयनीय स्थिति है, हम देखते हैं कि किस तरह से आज समाज में जो महिलाएं हैं शादी के बाद, साथियों मैं अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जब महिलाओं को दहेज ना देने पर प्रताड़ित किया जाता है, गरीबी के कारण प्रताड़ित किया जाता है, शिक्षा ना मिलने पर प्रताड़ित किया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों से समझ सकते हैं कि आज किस तरह से महिलाएं जूझ रही हैं और लगातार अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही हैं। और इसमें रक्षा की अगर मैं बात करूं तो रक्षा कौन करेगा? रक्षा आपकी करेगी शिक्षा, क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक साथियों आपका उद्धार नहीं हो सकता। और शिक्षा के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने आपको साथियों संविधान के माध्यम से
जीरो से लेकर 14 साल तक जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है, शायद वो किसी ने नहीं किया होगा। तो आप समझिएगा कि आपका आज़ादी कहाँ है, आपकी आज़ादी धर्म ग्रंथों में नहीं है, बल्कि आपकी आज़ादी शिक्षा में है, संविधान में है। और इस देश में जो व्यवस्था पल रही है, आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लगातार आपको नीचा दिखाकर कहीं ना कहीं आपके ऊपर अत्याचार शोषण कर रही है। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इन रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकाल कर शिक्षा की तरफ बढ़ते हुए। और एक बार आप शिक्षा लेकर देखिए, अगर आप शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा लेकर आप ACP बनेंगे, DCP बनेंगे, जज बनेंगे, वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। और उसके बाद आप खुद बताना मुझे कि आपकी रक्षा कौन कर रहा है, आपकी रक्षा संविधान के माध्यम से दिए गए हक अधिकार कर रहे हैं या आपकी रक्षा वो धर्म ग्रंथ कर रहे हैं। और उसके बाद आप बताना कि आपकी रक्षा कौन कर रहा है, क्योंकि जब आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो आप अपनी रक्षा के साथ साथ में दूसरों की भी रक्षा करेंगे। तो आप उस तरफ कदम बढ़ाइए, ना कि इस तरफ रूढ़िवादी परंपराओं में उलझकर अपने आने वाले भविष्य को बर्बाद कीजिए। और जाते जाते यहाँ पर मैं अपनी बहनों को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहूंगी और भाइयों को भी संदेश देना चाहूंगी। सही मायने में अगर आपको अपनी बहनों की रक्षा करनी है तो उनको शिक्षा दिलाइए। जो पैसा आप उनके विवाह के लिए इकट्ठा करते हैं वो पैसा उनकी शिक्षा पर लगाइए, क्योंकि जब आप उनकी शिक्षा पर वो पैसा लगा देंगे और वो सफल हो जाएंगी तो वो अपना विवाह एक से एक अच्छे कर सकती हैं। तो जरूरत है साथियों इस कड़ी में आपको बढ़ने की। लेकिन फिर भी मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगी, अगर जो लोग इस तरह के त्योहारों को बढ़ावा दे रहे या जो महिलाएं इस तरह के त्योहारों को मनाएगी, मैं उनसे फिर एक बार यही कहूंगी कि इस बार आप अपने घर जाइएगा और कुछ भी मत लेकर जाइएगा, ना कपड़े लेकर जाइएगा, ना मिठाई लेकर जाइएगा, ना फल फ्रूट लेकर जाइएगा, और अपने भाई को उसी तरह से राखी बांधकर आइएगा और उसे डिमांड कीजिएगा कि अगर सही मायने में आप मेरी रक्षा चाहते हैं तो भाई पिता की संपत्ति में मुझे बराबर का अधिकार दे दो। फिर देखना वो अगली बार आपको बुलाता है या नहीं बुलाता, या आपकी रक्षा के लिए कितना बड़ा वचन वो आपको देता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों आपसे विदा लूंगी और फिर से एक बार कहूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।